हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। आइए इस वीडियो में शेयर करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या एक्शंस हुए एफएनओ सेगमेंट में, और नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और किस रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्टॉक्स फैक्टर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमने आपके लिए डैशबोर्ड बनाया है जिसके थ्रू हम ये वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम ये एनालिसिस जो भी बनाएंगे वो हम शेयर करेंगे, वो डैशबोर्ड के थ्रू ही करेंगे, जिसमें हमने सारी एनालिसिस हमने दिखा रखी है, डेटा को प्रेजेंट कर रखा है, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डैशबोर्ड का लिंक हमने दिया हुआ है। अभी हमने डैशबोर्ड सबके लिए फ्रीली अवेलेबल करा रखा है, आप इसको यूज़ करिए, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप इस एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं और इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को क्या एक्शन हुआ। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने देखा कि सेलिंग हुई है निफ्टी में ओवरऑल, तो हमने देखा निफ्टी मार्जिनली 0.24% से फॉल हुआ था। 27 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसेस थे, 23 जो है डिक्लाइंस में थे। DIIs ने नेट बाइंग की है, और हम देख सकते हैं कि FIIs जो थे वो नेट सेलर्स रहे हैं। तो हमने देखा FIIs लास्ट के जो वीक में थे, लास्ट के 3 डेज में नेट सेलर्स ही रहे हैं ओवरऑल। बाकी हम वीक का भी एनालिसिस करेंगे, लास्ट वीक का कम्प्लीटली, तो उसमें भी हम देखेंगे। फिर हम देख सकते हैं कि जो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप है, हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि हम देख सकते हैं कैनरा बैंक में मार्जिनली जो है प्राइस राइज हुआ था, और OI बिल्डअप हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेजेस इन स्टॉक्स में हाई थे। तो आप देख सकते हैं कि हमने चारों सेक्शंस दिखा रखे हैं, डिलीवरी ग्रेटर देन 100%, कि कैश मार्केट में किस में ज़्यादा एक्टिविटी हुई, फिर FNO सेगमेंट में लॉन्ग पोजीशंस किस में बनी, शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। तो ये तो हो गई हमारी लास्ट डे की समरी। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि लास्ट वीक में ओवरऑल क्या ट्रेंड रहा और ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो हम देख सकते हैं कि वीक्स काफ़ी राइज हुआ है ओवरऑल। अगर हम पूरे वीक की बात करें, लास्ट वीक की, तो 13.38% से वीक्स राइज हुआ है और निफ्टी फॉल हुआ है। ऑब्वियसली हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा है कि जब भी निफ्टी गिरता है तो वॉलीटिलिटी बढ़ती है, और वही हमें इंडिया विक्स से दिख रहा है कि 13.38% का राइज हुआ, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट राइज। उसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी गिरा है, तो सेम इन लाइन सेम एग्जैक्ट सेम परसेंटेज रही है दोनों में, 2% से ऊपर का फॉल आया। FIIs नेट बायस रहे हैं ओवरऑल, और DIIs नेट सेलर रहे हैं। FIIs लेकिन लास्ट के 3 दिनों में जो है उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करी है, बट ओवरऑल अगर हम पूरे वीक की बात करें, लास्ट वीक, तो वो मार्जिनली नेट बायर्स ही रहे हैं, और DIIs ने काफ़ी सेलिंग करी है। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी थी। तो एनर्जी सेक्टर और कमोडिटी सेक्टर के अलावा बाकी सब सेक्टर्स नेगेटिव में थे। आप देख सकते हैं IT मेजर सेलिंग आई है काफ़ी ऑटो सेक्टर में, जो कि एक टाइम से काफ़ी बुलिश चल रहा था, तो अब ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं IT में जो काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड में था, अब वो लगाड बन रहा है। हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में तो सेलिंग, हमारा बैंक निफ्टी तो शुरू से ही हमारा अंडर परफॉर्म रहा है, तो अभी उसने परफॉर्म करना शुरू किया था, बट क्योंकि पूरे मार्केट में सेलिंग आई है तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई है। बट हो सकता है कि आगे चल के निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में हमें उतना फॉल देखने को ना मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स में मेजरली जो रैली आई है। कोटक के रिजल्ट्स अच्छे थे, इसकी वजह से हमें कोटक में अच्छी रैली देखने को मिली, बट ऑलरेडी कोटक एक ऐसे लेवल पे आ गया है जहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर आपको बाइंग करनी है तो। फिर हमारा क्लोज जो रेड में क्लोज हुए हैं, हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट HDFC, ICICI बैंक जो भी मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें फॉल आया है। फिर हम वीक ऑन वीक अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें, तो आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टर्स नेगेटिव में हैं, क्योंकि इस रेंज से अगर आप देखेंगे तो ये हमें रैंकिंग बताता है डिफरेंट सेक्टर्स की, और आप देख सकते हैं कि इससे नीचे जितने भी हैं वो जीरो के ऑलमोस्ट नीचे हैं। तो ये लाइन अगर आप देखें तो सारे सेक्टर्स ही नेगेटिव में ऑलमोस्ट बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉल आया निफ्टी ऑटो सेक्टर में आया है 4% से ऊपर का, और सबसे कम जो फॉल आया वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आया है। बाकी उसके बाद FMCG था, आप देख सकते हैं FMCG, उसके बाद निफ्टी फार्मा, बैंक निफ्टी, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद निफ्टी IT में काफ़ी अच्छा फॉल आया है, फिर रियलिटी, निफ्टी मीडिया, मेटल एंड देन ऑटो सेक्टर। अब हम देख लेते हैं क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि निफ्टी का क्या रेंज बन रहा है नेक्स्ट वीक का, और क्या एक्शंस हुए हैं ओवरऑल। क्योंकि लास्ट वीक हमारा जो था एक्सपायरी भी था, तो हम ये देख लेते हैं कि एक्सपायरी और एक्सपायरी अभी क्या ट्रेंड रहा है, तो ये एक मेजरली देखना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि पिछले, अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें, तो अक्टूबर मंथ का जो ये डेटा पॉइंट हमारा बना है जिसमें एक्सपायरी 29 को हुई है, तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल पूरे अक्टूबर मंथ में लॉन्ग पोजीशंस बनी है। क्योंकि आपने देखा है कि आप ये देख रहे हैं कि प्राइस राइज हुआ है, ये इंडेक्स यानी प्राइस राइज, इंडेक्स में राइज हुआ है,
और OI भी बढ़ा है, तो इसका मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं इंडेक्स में, तो और वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी हुई हैं। तो एक तरह से ये हम देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस पिछले वीक बनी, क्योंकि निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज यानी 10,800 के आसपास टच करके वहाँ से पूरा 12,000 की रैली दी थी, तो वो सारी लॉन्ग पोजीशंस ही बनी थी, फ्रेश लॉन्ग्स बनी थी, वो भी हम देखेंगे अभी डिटेल में। तो लेकिन वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो अब ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है, तो अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो वो मेजरली लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आएगा, ना कि शॉर्ट पोजीशंस भी बनेंगी, बट मेजरली जो लॉन्ग पोजीशंस हैं अब वो जैसा भी सिनेरियो प्ले आउट होता है यूएस इलेक्शंस का उसके बेसिस पे होगा। लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए हैं अपने जो पोजीशंस हैं, बट वो देखना पड़ेगा कि लोग अपने लॉन्ग जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो का जो ट्रेंड है, आप देखेंगे कि प्राइस गिर रहा है और पुट कॉल रेशियो, तो क्लोज वैल्यू निफ्टी की पिछले कुछ दिनों में गिरी है, और PCR रेशियो अभी मेंटेन्ड है, 1 से ऊपर है, तो हल्की सी बुलिशनेस तो है ही, क्योंकि हर डिप पे बाइंग आ रही है निफ्टी में, तो आप देख सकते हैं कि PCR रेशियो भी फ्लक्चुएट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। फिर हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बैंड, तो आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अब जो हो गया है वो 10,500 पे चला गया, तो बीच में वो 11,000 मैक्सिमम OI बन गया था, लेकिन अब बेस एक टाइप से पुट का जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया, 10,500 हो गया मैक्सिमम पुट। अगर हम देखें यहाँ पे हम करंट एक्सपायरी की बात नहीं कर रहे हैं जब हम बैंड निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, मींस सारी एक्सपायरीज का ऑप्शन चेंज का डेटा मिला के, तो वो ज़्यादा आपको एक अच्छी पिक्चर बताता है। अगर सिर्फ आप करंट एक्सपायरी का देखेंगे तो वो उतना आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि वो तो एक वीक की एक्सपायरी है। जब आप सारी एक्सपायरीज यानी नेक्स्ट 2 मंथ्स तक की एक्सपायरीज का डेटा सब मिला के एक साथ देखते हैं, वो आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन देता है, तो हमें हमेशा उस वे में देखना चाहिए। तो इसीलिए हमने डैशबोर्ड में जहाँ भी दिखाया है हम क्यूमुलेटिव OI दिखाते हैं। क्यूमुलेटिव OI मींस कंबाइनिंग ऑल द डेटा ऑफ ऑल द एक्सपायरीज एंड देन शोइंग, तो हम यहाँ पे वो क्यूमुलेटिव नंबर दिखा रहे हैं, सिर्फ एक एक्सपायरी का नहीं दिखा रहे हैं। तो आप ये क्यूमुलेटिव नंबर देख सकते हैं फ्यूचर OI में भी, तो आप देखें कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है एक्सपायरी के बाद। आप देखें कि एक्सपायरी के बाद का 28 को भी और 29 को भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है लास्ट के 3 दिनों में एक्सपायरी के पास में। बेसिकली लोगों ने अपनी जो निफ्टी में फॉल आया है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से है, कि जैसे मैंने बताया था कि अक्टूबर मंथ में लॉन्ग पोजीशंस बहुत बनी थी, तो लोगों ने कुछ अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट दी हैं लास्ट के 3 दिनों में एक्सपायरी में, बाकी जो जिन्होंने होल्ड किया था वो अपना रोल ओवर किया है। तो अब देखना है कि वो भी आगे उस पोजीशन को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, डिपेंडिंग कि US इलेक्शंस क्योंकि एक मेजर इवेंट है, तो किस तरह से प्ले आउट होता है ग्लोबल मार्केट्स में, उसी तरह से हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा। फिर हम देख लेते हैं इंडिया विक्स, तो आप देख रहे हैं विक्स जो, जैसे मैं बात कर रहा था कि विक्स 13.8% राइज हुआ है, जो हमने पीछे लास्ट वीक समरी में देखा था वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप देखिए कि विक्स जो है येलो लाइन जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, कब से 1 अक्टूबर से, तो लगातार जो विक्स बढ़ रहा है और निफ्टी भी बढ़ रहा था, तो एक पॉजिटिव साइन नहीं था वो। अगर निफ्टी बढ़ रहा है और साथ में विक्स भी बढ़ रहा है तो वो एक हेल्दी साइन नहीं होता है, कॉशियस सिग्नल होता है कि वॉलीटिलिटी क्यों बढ़ रही है मार्केट ऊपर जाने पे। फिर आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट स्टेग्नेट हो गया और उसके बाद वॉलीटिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है और उसके बाद गिरना शुरू कर दिया, तो वॉलीटिलिटी ने इस समय मैक्सिमम पे अपने 3-4 महीने के 24.75 विच हैज़ क्रॉस द 22 जोन, तो 22-21 से ऊपर जो निफ्टी मतलब इंडिया विक्स अगर क्रॉस कर जाता है तो वो एक हाई वॉलीटिलिटी जोन में आ जाता है, बहुत हाई वॉलीटिलिटी जोन में। तो मतलब यहाँ से, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो S&P जो US मार्केट जो मेन है स्टैंडर्ड एंड पुअर मार्केट का जो विक्स है, वहाँ का विक्स ऑलरेडी 40 तक टच कर चुका है अभी, और वो 25 से 40 तक गया, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया और एकदम से ही एक हफ्ते में आया है। तो हमारा इंडिया विक्स भी हो सकता है कि लगाड़ रहता है तो हो सकता है थोड़ी देर में रिएक्ट करे, तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट जंप शुरू हो गया है। अब ये आगे कितना इंक्रीज होता है वो हमें देखना है, डिपेंडिंग ऑन कि इवेंट किस तरह से प्ले आउट होगा, बट वॉलेटिलिटी बनी रहेगी मार्केट में और वो ये बढ़ने के ही चांसेस हैं। फिर हम देख लेते हैं कि मैक्स पेन जो करंट एक्सपायरी, मैक्स पेन हम करंट एक्सपायरी पे निकाल रहे हैं, तो अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें तो वो लगभग जो मैक्स पेन पॉइंट जो है वो, आप अगर हम इसको जूम आउट करें, आप इस ग्राफ को जूम भी कर सकते हैं, तो हम देखें तो वो कहीं पे 11,600 से 11,700 के बीच में बन रहा है, तो इस रेंज में ही हमने देखा कि निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है, 600 के आसपास बाइंग आ रही है, क्योंकि मैक्स पेन भी हमें यही बता रहा है कि उस रेंज में जो है ऑप्शन सेलर्स को मिनिमम लॉस होगा। आइए अब देख लेते हैं क्यूमुलेटिव OI, ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ऊपर हमने जो बैंड ये दिखाया था, तो हम क्यूमुलेटिव OI की बात करते हैं, यहाँ पे हमने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिटेल बाइफर्केशन दिया है हर स्ट्राइक प्राइस पे।
तो यहाँ पे आप, जैसे हमने दिखाया था कि मैक्सिमम पुट वाई जो है वो 10,500 में, वो आप लाइन यहाँ दे भी सकते हैं, जो सबसे बड़ी जो ब्लू लाइन है वो 10,500 में, 11,000 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जो फर्स्ट उसके बाद हम देख सकते हैं कि 11,500 पे सपोर्ट है, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट ने उस दिन फ्राइडे को वो 600 से नीचे गया था, 11,560 तक गया था, तो यानी वहाँ से लेकिन बाइंग आई और मार्केट ने जंप दिया, तो इसका मतलब 11,500 के आसपास बायर्स बैठे हुए हैं। बट वो कितना होल्ड कर पाते हैं अगर नेक्स्ट वीक जो भी इवेंट होता है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी सपोर्ट है, लेकिन अब उतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, बायर्स हैं वहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन चेन जो हमें बता रहा है उसके बाद 11,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। फिर हम देख सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे को वाई चेंज कैसा रहा, तो हम देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग जो है मैक्सिमम 12,000 पे हुई है और 12,500 पे हुई है, फिर सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस भी हुई है 11,600 पे, आप देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है, क्यूमुलेटिव वाई की बात करें हम तो 700 पे भी हुई है, फिर पुट राइटिंग जो हुई है मेजरली वो नीचे के लेवल्स पे हुई है, आप देख सकते हैं जो चेंज इन वाई रहा है वो 10,800 और 10,500, मतलब अब लोग कंफर्टेबल नहीं है ऊपर पुट राइट करने में, अब लोग नीचे की पुट राइट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं में एक इंडिकेशन दे रहा है कि निफ्टी का जो बेस है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है 11,000 से, मतलब लोग अब नीचे मतलब कंफर्टेबल हो रहे हैं पुट राइटिंग के लिए, जो कि पहले 11,000 और 11,500 पे एग्रेसिवली पुट राइटिंग कर रहे थे, अब वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं वहाँ पुट राइटिंग करने के लिए। तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जैसे हमने देखा फ्राइडे को अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, तो अब जैसे कि मैंने बात की थी कि पोजीशंस रोल हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही एक्सपायरी 29 यानी 30 को ही आप देख लीजिए, जैसे ही नेक्स्ट एक्सपायरी का फर्स्ट डे को ही इतनी 14.98% यानी 15% वाई जो है मतलब चेंज आया है, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशंस 15% काट दी, बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन था, आप देखिए सीधा ये जो ब्लू बार है क्यूमुलेटिव वाई का, वो पोजीशंस कितनी कम हो गई हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि लोगों ने पोजीशंस जिन्होंने भी रोल किए हैं, बट क्या वो उन पोजीशंस को होल्ड करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि पहले दिन ही लोगों ने इतनी पोजीशंस जो अनवाइंड कर दी हैं, ठीक है। इसके साथ एक डेटा पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने FII डेली और हिस्टोरिकल डेटा में देखें, यहाँ पे आपको FII फ्यूचर्स एक्टिविटी में दिख रहा है कि नेगेटिव इंडेक्स हुआ है, यानी फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं FII के द्वारा, तो आप ये देख सकते हैं अभी तक जैसे लॉन्ग चला था ग्रीन में, तो ये नेगेटिव नंबर ये दिखा रहा है कि इंडेक्स में अब उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना ली हैं, तो ये एक पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला। अब हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्ले आउट रह रहा है, तो बैंक निफ्टी का हम क्विकली देख लेते हैं। इसमें भी आप देखिए, तो अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो इंडेक्स बढ़ा है, तो यानी शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी क्यूमुलेटिव ओआई गिरा है मंथ ऑन मंथ, और ये तो यानी जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस वहीं थी, कहीं ना कहीं वो मार्जिनली लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, और मंथ ऑन मंथ की बात करें फिर हम देखें कि पुट कॉल रेशियो तो अभी 1 से कम आ गया है, तो थोड़ा सा बेरिश है, हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, अगर उतना बड़ा फॉल ना आए तो निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन फॉल ज़रूर आएगा तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। तो हम देख सकते हैं कि पुट पोजीशंस लोग अपनी PCR रेशियो गिरा है, तो इसका मतलब पुट जो है लोगों ने अपनी अनवाइंड करी है, जो राइट की हैं या कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो और ये बैंक निफ्टी गिरने के साथ हुआ, तो एक हल्का सा बेरिश साइन होता है कि अगर PCR रेशियो गिर रहा है इंडेक्स के साथ या क्लोजिंग प्राइस के साथ, तो वो बता रहा है कि बेस नीचे शिफ्ट हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बैंड्स की बात करें तो अब जो मैक्सिमम पुट वाई है वो 22,000 पे चला गया, पहले 23,000 पे था, सॉरी 24,000 पे था, 24 से 23 गया था, अब सीधा 22 पे आ गया, और जो कॉल वाई है वो 25,500, तो बैंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको वॉलेटिलिटी का भी आइडिया दे रहा है कि ऊपर कितना और नीचे कितना लोग मतलब वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको इससे इस बैंड से दिख जा रहा है, जो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम पुट वाई और मैक्सिमम कॉल वाई कहाँ पे है। फिर हम फ्यूचर्स का देखें तो फ्यूचर्स में हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट के दिनों में अनवाइंडिंग हुई है, यानी लोगों ने अपनी फ्यूचर्स पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशंस को काटा है, और उसी के साथ इंडेक्स भी गिरा है। अब हम देख लेते हैं विक्स, तो विक्स तो हमने देखा ही है, तो उसके साथ बैंक निफ्टी भी गिरा है, विक्स बढ़ रहा है। फिर मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैक्स पेन जो अभी एरिया बन रहा है वो लगभग 24,000-23,800 के आसपास बन रहा है इस जोन में, मतलब 23,700 से लेके 24,200 के बीच में एक रेंज है, जहाँ पे हम अभी के डेटा के हिसाब से जो वीकली एक्सपायरी का
तो यानी वीकली एक्सपायरी अभी जो नेक्स्ट वीक की है वो इस रेंज में दिखा रहा है। ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि मंडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक जो भी OI चेंजेस होंगे तो हिसाब से मैक्स पेन में भी चेंजेस आएंगे, तो ये आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, हमारे डैशबोर्ड से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम आते हैं क्यूमुलेटिव OI में, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो अभी 24,500 पे, 25,000 और 25,500 पे, तो ये तीन मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 24,500 है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडेक्स जाके वहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। फिर उसके बाद 24,000 पे देख सकते हैं कि बुल्स और बियर्स की फाइट चल रही है, मतलब कॉल राइटर्स सपोर्ट राइटर्स दोनों ही एग्रेसिवली राइट करना शुरू कर दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं कि जो पहला सपोर्ट एरिया जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आ रहा है वो है 23,000, तो 23,000 एक मेजर सपोर्ट जोन है अभी के लिए। अगर वहाँ पे इंडेक्स जाता है तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप 23,000 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अगर 23,000 के आसपास जाता है तो वो एक अच्छी बाइंग होगी एज़ कम्पेयर टू अभी। अभी के लिए आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं इस जोन पे, क्योंकि ये जोन अभी क्लियर नहीं, क्योंकि अभी एक बैंड में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो या तो वो 23,000 के पास जाए या वो 24,000 को क्रॉस, 24,500 को इफेक्टिवली तोड़े और क्रॉस करे, तभी नेक्स्ट बाइंग आएगी उसमें सॉलिड। अदरवाइज वो इस बैंड में आप 23,000 के आसपास ही बाई करिएगा अगर बैंक निफ्टी को आप देख रहे हैं। हम OI चेंजेस की बात कर लें लास्ट डे के फ्राइडे के, तो हम देखेंगे 24,500 पे एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है और 24,000 पे भी हुई है, तो यानी पुट राइटिंग नहीं हुई है फ्रेश, यानी कॉल राइटिंग हुई है लास्ट डे में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 24,000 में भी लोग कॉल राइटिंग शुरू कर दें। और फिर हम देखेंगे जो पुट राइटिंग हुई है वो 23,000 और सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हुई है वो 22,000 पे हुई है, तो यानी लोग और अपना कंफर्टेबली जो मैक्सिमम पुट राइटिंग करना चाह रहे हैं वो और नीचे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बेरिश सिग्नल भी हो सकता है। बट इमीडिएट जो अगर हम सपोर्ट की बात करें, जैसा मैंने डिस्कस किया, वो 23,000 भी है, 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर हम देखें कि जैसा सेम इन लाइन विद निफ्टी, हम देखें कि लास्ट डे में बहुत अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और उसी के साथ बैंक निफ्टी गिरा था, तो ऑलमोस्ट 1% से कम का फॉल आया था, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा अनवाइंड हुई हैं, क्योंकि जब रैली आई थी तो लॉन्ग पोजीशंस ही बनी थी पिछले मंथ अक्टूबर में, तो वो पहले दिन ही लोगों ने अपनी पोजीशंस काट दी, बिकॉज US इलेक्शन से पहले वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जो भी लोगों की लॉन्ग पोजीशन थी लोगों ने अपनी अनवाइंड कर दी। ओके, तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस था, जिसमें हमने FIIs का भी थोड़ा देखा। तो इस तरह से हमारी जो रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वो हमने देख लिया है कि 23,000 के आसपास हम बाय कर सकते हैं और 24,500 पे के पास पास अगर जाता है तो वहाँ पे हम कंफर्टेबली शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस जस्ट अबव 24,600 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसी तरह से निफ्टी की भी हमने रेंज देखी थी, निफ्टी में अगर हम देखें तो 11,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 11,500 जो है वो अभी पहला सपोर्ट एरिया जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो बनता है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग वो 11,000 है, तो 11,000 अगर 11,500 क्लोजिंग पे तोड़ देता है तो आपको फिर वेट करना है 11,000 तक आने का और वहाँ पे अपनी बाइंग शुरू करनी है। तो इस तरह से आप अपना प्ले आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एनालिसिस का एंड होता है। जाने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डैशबोर्ड को जरूर यूज़ कीजिए, जो भी एनालिसिस है ये डैशबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे है, और हमारे जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, जैसे जिस टैब का भी आपको वीडियो देखना है आप उस पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को उस टैब को कैसे रीड करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, आप पूरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि एक एक इंडिकेटर को आपको कैसे रीड करना है और होलिस्टिक वे में डैशबोर्ड को कैसे समझना है। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था, सेम उस वे में आप अपनी भी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं और ये बहुत आपके लिए इफेक्टिव होगी। आप डेरिवेटिव एनालिसिस उतना ही इफेक्टिव है जितना एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स होते हैं, बिकॉज आप समझिए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो अल्टीमेटली डेरिवेटिव डेटा में दिखेंगे आपको या कैश मार्केट में, बिकॉज सपोर्ट के पास अगर बाइंग होगी तो आपको एंड ऑफ द डे डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा दिखेगा और OI पोजीशंस भी दिखेंगे। तो हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो डेरिवेटिव डेटा और कैश मार्केट के डेटा को कंबाइन करके देखते हैं और वो हमें बहुत अच्छे सिग्नल्स देते आए हैं और हमने इसी के बेसिस पे अपना जो है सेटअप किया हुआ है। तो ये आपको जो है स्विंग्स और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप इसको यूज़ करिए और अपना फीडबैक दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।